कुल मिलाकर के 12 राशियां होती हैं, और सूर्य देवता जो है वे हर महीना जो है वे एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। तो जब सूर्य देवता जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी को संक्रांति कहते हैं, उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य नारायण जो है एक रेखा एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी को संक्रांति कहते हैं। और इस जनवरी के महीने में जो है सूर्य नारायण भगवान वे मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए 14 जनवरी को अथवा तो 15 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में जो है मकर संक्रांति मनाया जाता है। और जिस दिन सूर्य नारायण जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है, और वह दिन जो है धर्म के कार्य के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। जिस दिन सूर्य नारायण भगवान जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं अर्थात मकर संक्रांति के दिन जो है अगर हम कोई दान करते हैं तो उस दान का फल जो है अक्षय होता है, उस दान के फल का कभी क्षय नहीं होता। तो मकर संक्रांति का दिन जो है बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए उस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन प्रायः पूरे भारतवर्ष में जितने भी हिंदू लोग हैं वे बहुत शुभ कार्य करते हैं। कितने लोग जो है उस दिन बहुत सुंदर खिचड़ी बना करके और गरीबों में वितरण करते हैं, कई लोग जो है शॉल जो है वो वितरण करते हैं, इस तरह से लोग कुछ न कुछ धर्म का कार्य करते हैं, दान का कार्य करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। और इस मकर संक्रांति की ऐसी महिमा है, इसकी इतनी महिमा है कि भीष्म पितामह जी ने इसी मकर संक्रांति के दिन जो है अपने शरीर को त्याग करके और भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को प्राप्त किए थे। इसी मकर संक्रांति के दिन जो है गंगा जी का इस धरती पर अवतरण हुआ था। तो मकर संक्रांति की बड़ी महिमा है। भीष्म पितामह जी, गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी इसी दिन अपना शरीर का त्याग किए थे। आइए हम लोग आज के दिन इस कथा को भी श्रवण करें कि भीष्म पितामह जी मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार से अपने शरीर का त्याग किए, इस कथा को भी हम लोग श्रवण करेंगे। क्योंकि यह जो भीष्म पितामह जी के शरीर का त्याग मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी मकर संक्रांति के दिन ही संन्यास ग्रहण किए थे हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए। तो मकर संक्रांति का दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने उसी दिन संन्यास भी लिया था और गंगा जी का उसी दिन अवतरण हुआ था, और उसी दिन भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर का त्याग किए थे। तो आज जो है हम लोग भीष्म पितामह जी किस प्रकार से अपने इस भौतिक शरीर का त्याग किए यह हम लोग संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। भीष्म पितामह जी की कथा जो है भागवत के
प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भीष्म पितामह जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि सारी दुनिया तो भगवान का ध्यान करती है, लेकिन भगवान जो है भीष्म पितामह जी का ध्यान किया करते थे। महाभारत में कथा है कि एक बार सुबह सुबह के समय में युधिष्ठिर महाराज जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि भगवान का दर्शन करके अगर हम अपने दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है मंगलमय हो जाता है। इसीलिए हमें जो है सुबह के समय में भगवान के मंगलमय मूर्ति का दर्शन करके और फिर अपना दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का जो श्री विग्रह वो कैसा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, सब लोग जानते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान का जो श्री विग्रह है मंगल का भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान की छवि का दर्शन करने से आदमी का सारा अमंगल दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान का दर्शन करके और फिर अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए, और कदाचित अगर हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, कहीं ऐसे जगह पर है जहां पर भगवान का दर्शन सुलभ नहीं है, तो वहां पर हमें भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके और फिर अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, भाव को भाव आ नख आलस भाव को भाव आ नख आलस नाम जपत मंगल दिशि दस हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे ईर्ष्या से ले, चाहे आलस से ले, कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण करके और अपना कार्य प्रारंभ करता है तो दसों दिशाओं में उसका मंगल ही मंगल होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिशि दसम, दसों दिशाओं में उसका मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए हमें जो है कोई भी कार्य या तो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का दर्शन करके अथवा तो भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करके और तब अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से युधिष्ठिर महाराज जी प्रातः बेला में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने क्या देखा कि भगवान कृष्ण जो है ध्यान के मुद्रा में बैठ करके और वे बिल्कुल ध्यानस्थ थे, ऐसा लगता था कि कृष्ण को समाधि लग गई है। युधिष्ठिर महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि सारी दुनिया तो इस योगेश्वर कृष्ण का ध्यान करती है, सारे योगियों योगी लोग अपने हृदय में इनका ध्यान करते हैं और ये आज किसका ध्यान कर रहे हैं। शिव जी भी अपने नेत्र बंद करके भगवान के मुख कमल का, उनके चरण कमल का ध्यान करते हैं
और वही भगवान न जाने आज ये किसका ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जी ने जब भगवान का ध्यान टूटा, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान से पूछा कि जय जय प्रभु, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे थे? उस समय भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया, मैं जो है ना भीष्म पितामह जी का ध्यान कर रहा था, क्योंकि भगवान का ये सिद्धांत है, भगवान ने अपने जीवन का एक सिद्धांत गीता में बताया है। क्या बताया है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। गीता में कृष्ण अर्जुन के समक्ष गर्जना करते हुए ऐलान करते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो व्यक्ति मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है, मैं भी उस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरा ध्यान करता है तो मैं भी उसका ध्यान करता हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है तो मैं भी उसकी पूजा करता हूं। ये भगवान का नियम है, क्योंकि भगवान किसी का भी उधार बाकी नहीं रखते हैं। आप करते हैं तो हम भी करेंगे। भक्तों के पूज्य भगवान हैं और भगवान के पूज्य भक्त हैं। तो आज मैं भीष्म पितामह जी का ध्यान कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह के समय में भीष्म पितामह जी अपने कुटिया में बैठकर मेरा ध्यान कर रहे हैं और मैं जो है भीष्म पितामह जी का ध्यान कर रहा हूं। भक्त और भगवान का दिल भले दूर दूर रहे लेकिन तार जुड़ जाता है। तो आप केवल इस महाभारत के इस छोटे से प्रसंग से आप समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह जी भगवान के कितने बड़े भक्त होंगे, कि जिस भगवान कृष्ण का पूरी दुनिया ध्यान करती है, पूरा ब्रह्मांड ध्यान करता है, वो भगवान भीष्म पितामह का ध्यान करते हैं। इसी से हम भीष्म पितामह जी के भक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक प्रश्न होता है कि जब भीष्म पितामह जी इतने बड़े भक्त थे तो वे दुर्योधन के पक्ष से क्यों लड़े? प्रश्न होता है ना, जब भीष्म पितामह जी इतने बड़े भगवान के भक्त थे तो वे दुर्योधन के पक्ष से, अधर्म के पक्ष से क्यों लड़े? उनको पांडवों के पक्ष से लड़ना चाहिए, कृष्ण के पक्ष से लड़ना चाहिए, अधर्म के पक्ष से, दुर्योधन के पक्ष से क्यों? तब हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि एक बार भीष्म पितामह जी अपने कुटिया में बैठकर विचार कर रहे थे कि भगवान इस धरती पर क्यों अवतार लेते हैं। तो भीष्म पितामह जी को विचार आया, गीता का श्लोक, गीता में भगवान अपने अवतार का कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? सबको याद होगा और नहीं है तो याद होना चाहिए सबको। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भीष्म पितामह जी को विचार आया कि भगवान जो है बिना सायच दुष्कृताम, भगवान इस धरती पर, मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जो इस धरती पर दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। तो भीष्म पितामह जी को विचार आया
कि मेरे प्रभु असुरों का, राक्षसों का, दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लिए हैं। और इस धरती पर तो वर्तमान समय में अनंत दुष्ट लोग हैं, और हमारे ठाकुर जी के एक एक अंग जो है करोड़ों करोड़ों कमल से भी कोमल हैं। तो हमारे ठाकुर जी इतने पूरे विश्व भर के जो दुष्ट लोग हैं उनको कहां कहां जा करके मारेंगे, उनको कितना कष्ट होगा। अतः मुझे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि सारे दुष्ट लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, तब हमारे ठाकुर जी को मारने में आसानी होगी। लेकिन अब ये काम करें तो कैसे करें, अब सोच ही रहे थे कुछ ऐसा योजना बने, कुछ ऐसा प्लान बने कि सब पूरे धरती पर जितने दुष्ट हैं वो सब एक ही जगह जुट जाए। अब ऐसा विचार कर ही रहे थे तब तक दुर्योधन वहां पर आकर के कहता है कि पितामह आपको जो है पांडवों से युद्ध करना है और मैं आपको बता देता हूं, पितामह जी अगर आप मेरे पक्ष से युद्ध नहीं करेंगे तो मैं जो है अपने बल से पांडवों से युद्ध नहीं कर सकता। आप अगर हमारा साथ देंगे तब हम पांडवों से युद्ध करेंगे। उस समय भीष्म पितामह जी ने विचार किया कि देखो हम सोच ही रहे थे और ठाकुर जी ने हमारा काम कर दिया। ये बहुत अच्छा अवसर है कि अगर आज मैं दुर्योधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं, पांडवों से युद्ध करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो इससे लाभ क्या होगा कि दुर्योधन का जो है इस धरती के सारे दुष्टों से संपर्क है, और जब मैं दुर्योधन के पक्ष से लड़ूंगा तो इस धरती पर जितने भी दुष्ट लोग हैं सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा युद्ध करने के लिए। और जब सब दुष्ट लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे फिर ठाकुर जी हमारे बहुत सरलता से एक ही जगह पर सबको मार डालेंगे और उनके अवतार का प्रयोजन जो है पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने तुरंत जो है दुर्योधन के समक्ष हामी भर दिया युद्ध के लिए। लेकिन तत्क्षण अगले ही क्षण भीष्म पितामह जी को स्मरण हुआ कि अरे मैं कृष्ण का भक्त होते हुए भी अगर मैं अधर्म के पक्ष से, दुर्योधन के पक्ष से लड़ूंगा तो सारा दुनिया के लोग जो है मेरे माथे पर कलंक लगा देंगे कि देखो इतना बड़ा भक्त होकर के अधर्म के पक्ष से लड़ा, मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा। लेकिन भीष्म पितामह जी ने विचार किया कि भले ही मेरे माथे पर कलंक ही क्यों ना लग जाए, मेरे प्रभु का कार्य करने के लिए अगर मेरे माथे पर कलंक भी लग जाए तो मुझको वह कलंक स्वीकार है, बस प्रभु का कार्य होना चाहिए। अगर मेरे ठाकुर का कार्य करने के लिए माथे पर कलंक भी लेना पड़े तो मैं स्वीकार करूंगा, बस मेरे प्रभु को खुश होना चाहिए, उनका कार्य सिद्ध होना चाहिए। अतः यह सोच विचार करके भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन के सामने पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो कहने का भाव यह है कि भीष्म पितामह यद्यपि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन फिर भी भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही भीष्म पितामह जी जो है दुर्योधन के पक्ष से लड़े, अधर्म के पक्ष से लड़े, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं, अपने प्रभु के स्वार्थ को, अपने प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए। कई बार आज भी समाज में लोगों के मन में ये
विचार चलते रहता है कि भीष्म पितामह जी इतने बड़े भक्त होकर के अधर्म के पक्ष से लड़े, ऐसा क्यों? इसका यही कारण है। और कई बार लोग इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो भीष्म पितामह के प्रति अश्रद्धा कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे ये कारण है। अब एक और प्रश्न होता है कि भीष्म पितामह जी जब भगवान के इतने बड़े भक्त थे तो फिर इनको जीवन के अंत समय में बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा, और वो भी एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 58 दिन तक, अर्थात 2 महीने तक। हम लोगों के बिस्तर पर एक चींटी भी आ जाए ना, हम लोग के मखमल के बिस्तर पर एक चींटी भी आ जाए ना, तो हम लोग को पूरी रात भर नींद नहीं आती है। एक मच्छर आ जाए तो हमको रात भर नींद नहीं आती है। एक मच्छर काटने लगे ना तो हम लोग जो है रात भर सो नहीं पाते हैं। लेकिन भीष्म पितामह जी तो 58 दिन तक बाणों की सैया पर ही सोए हुए थे। ऐसा क्यों? जब इतने बड़े भक्त थे तो इनको जीवन के अंत समय में इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा? यही प्रश्न जो है ना भीष्म पितामह जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, मुझे पूरा पूरा याद है कि मैंने पूरे जीवन भर में आज तक कोई भी पाप नहीं किया है, और कुछ छोटा मोटा जाने अनजाने में पाप हो भी गए तो मैंने शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार उसका मैंने विधिवत प्रायश्चित भी कर लिया है, तो मैंने कौन सा पाप किया है जीवन में कि जिसके फल स्वरूप जो है मुझको बाणों की सैया पर सोना पड़ा, आप कृपा करके बतलाइए। उस समय भगवान कृष्ण ने पितामह जी को कहा कि पितामह, आप इस जन्म में कोई पाप नहीं किए हैं, यहां तक कि आप पिछले 100 जन्म तक आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन 101 जन्म पहले जो है आप एक बार हाथी पर बैठ करके कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प आ गया और आपने जो है अपने लाठी से उस सर्प को उठा करके और मार्ग से हटाने की कोशिश में थोड़ा दूर फेंका तो वह सर्प जो है एक कांटों का पेड़ था, कांटे का पेड़ था, उस कांटे के ऊपर वह सर्प गिर पड़ा और उस सर्प का एक एक अंग जो है कांटों से चुभ गया। पितामह जी, उसी पाप का फल आपको आज भोगना पड़ रहा है। आपने सर्प के शरीर में गलती से कांटे चुभाए थे तो उसी के फल स्वरूप आज जो है आपके पूरे शरीर में बाण चुभे हुए हैं, उसी का फल है। इस प्रसंग से हम सबको बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। 58 दिन तो इस प्रसंग से जो है हमको शिक्षा मिलती है कि देखिए, इस संसार में कई बार हम सब लोगों के मन में, हम सब लोगों के जीवन में भी कोई कष्ट आता है ना, तो हम लोग भी विचार करते हैं कि अरे, हमने इस जीवन में तो जाने अनजाने में हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, हम तो भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना बड़ा संकट कैसे आ गया, क्यों आ गया? इसका यही कारण है कि हमने, हो सकता है कि इस जन्म में कोई पाप न किया, हो सकता है हमने पिछले जन्म में भी न किया हो,
लेकिन जैसे भीष्म पितामह जी 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन 101 जन्म पहले उन्होंने पाप किया था तो उसका फल 101 जन्म के बाद मिला, वैसे ही हम जो है भले इस जन्म में न किए हो पाप, हो सकता है पिछले जन्म में किए हो, अथवा तो पिछले जन्म में भी न किए हो तो हो सकता है अन्य जन्मों में किए हो, तो उसका फल जो है हमको मिलता है। इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख आए तो हमें भगवान को नहीं कोसना चाहिए, हमें अपने ही कर्म का फल समझ करके उसको प्रेम से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल जो है वो चाहे स्वर्ग के राजा इंद्र हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी जीव हो, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। इस संसार में चाहे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी प्राणी है, वो कर्म करेंगे तो उनको फल भोगना ही पड़ेगा। हो सकता है कि हमको कर्म का फल तुरंत न मिले, हमको 1 घंटा बाद मिले, 1 महीना बाद मिले, 1 साल बाद या 1 जन्म बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल निश्चित मिलेगा। यहां तक कि भगवान के भी पिता क्यों ना हो, ये कर्म का सिद्धांत इतना अटल सिद्धांत है कि भगवान के पिता को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। राम जी के पिता दशरथ जी ने श्रवण कुमार को गलती से पशु समझ करके बाण मारा था, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, दशरथ उसी तरह एक दिन आप भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और ऐसा ही हुआ, उनको कर्म का फल भोगना पड़ा। भगवान ने इस लीला से जगत को शिक्षा दिया कि चाहे मेरे माँ क्यों ना हो, चाहे पिता क्यों ना हो, कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। हाँ, एक बात है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हो सकता है कि हमको, हम भक्ति करेंगे तो एक चीज फायदा होता है क्या, कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, ऐसा पाप किया है जिसका दंड जो है हमको पहाड़ के समान मिलने वाला है, लेकिन अगर हम भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमको जो है जो पहाड़ के बराबर मिलने वाला दंड है वो हमको सरसों के दाना बराबर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। और एक ऊंची बात कहें तो भगवान जो है ना, अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान कर्म फल को माफ भी कर सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है। जैसे आप देखिए कि कोई व्यक्ति संसार में बहुत पाप किया है और पूरा सुप्रीम कोर्ट ने उस आदमी को फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना दिया, तो कोई भी व्यक्ति जो है अब उसको फांसी से रोक नहीं सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय को कोई व्यक्ति काट नहीं सकता, जो सुना दिया गया तो उसको फांसी पर चढ़ना ही है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो उसके फांसी को भी रोक सकता है, वो है राष्ट्रपति। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा पाप, अपराध, गुनाह क्यों न किया हो,
भले ही उच्च न्यायालय ने उसको फांसी का सजा सुना दिया है, लेकिन राष्ट्रपति के पास वो अधिकार होता है तो चाहे तो उसके फांसी को माफ कर सकता है। वैसे ही कोई व्यक्ति कितना ही पाप क्यों ना किया हो, यमराज जी ने उसका पूरा दंड सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर भगवान चाहे तो उस आदमी के पाप को माफ कर सकते हैं। भगवान चाहे तो उसके सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है जगत में लोग भगवान के इस स्वभाव का दुरुपयोग करने लग जाएंगे, इसीलिए भगवान जो है सामर्थ्य होते हुए भी वो सजा माफ करने की क्रिया नहीं करते हैं, कम कर देते हैं लेकिन पूरा माफ नहीं करते हैं, लेकिन चाहे तो माफ कर भी सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे पाप का फल जो है पहाड़ के बराबर मिलना है तो सरसों के दाना बराबर हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। इसीलिए हमें जो है यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हमसे जो है जाने में अनजाने में किसी भी जीव को कष्ट ना मिले हमारे द्वारा। आज जो है संसार में लोग कितने कितने पाप करते हैं, आजकल शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में लोग जो है बच्चे की तो शादी करते हैं लेकिन कितने सारे जीवों का हत्या करवा देते हैं। अपने एक बच्चे की शादी के लिए कितने सारे बकरियों का गर्दन कटवा देते हैं, मछलियों का गर्दन कटवा देते हैं। ये सब कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं, अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, राम झरोखा बैठ कर सबकी मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी तैसा वा को देत। रामायण में कथा है कि जब भगवान के प्रेम में सुतीक्ष्ण जी नृत्य कर रहे थे तो भगवान सुतीक्ष्ण जी के नृत्य को एक पेड़ के आड़ में छुप करके देख रहे थे। और इतना ही नहीं, जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था तो इस दृश्य को भी राम जी पेड़ के आड़ में छिप करके देख रहे थे। मतलब भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि हे संसार के जीवों, आप चाहे संघर्ष करो चाहे नृत्य करो, मैं जो है इस प्रकृति के ओट में छिप करके सब देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। आप लोगों ने जगन्नाथ जी का आंख देखा है? जगन्नाथ जी का आंख, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, हम लोग का आंख तो यहीं तक है। कुछ जो चाइनीज लोग होते हैं उनका तो इतना भी नहीं होता है, उनका आधा ये खुलता है। मोदी जी कहते हैं कि अरे तुम लोग जितना खोल के तुम लोग देखते हो ना, उतना खोल के तो हम सोते हैं। तो हम लोग का आंख जो है बस यहीं तक है, लेकिन ठाकुर जी का आंख जो है कान तक होता है, कान तक उनका आंख होता है ठाकुर जी का। कई बार वृंदावन में ठाकुर जी जब लुका छिपी का खेल खेलते थे ना, तो कोई सखा जो है कृष्ण के पीछे भी खड़ा हो जाता था ना, तो ठाकुर जी देख लेते थे।
कहते थे सारे तो राह कितना बड़ा बड़ा है रे। भगवान की आंखें जो है मोटी मोटी आंखें हैं, बड़ी आंखें हैं ठाकुर जी की। हमारे ब्रज में बहुत सुंदर भजन गाते हैं, तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। बहुत सुंदर भजन है। तो भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हैं, जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं, और हम जो करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। इसीलिए भागवत के इस भीष्म पितामह जी के चरित्र से हम सबको शिक्षा मिलती है कि हमें जो है कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें जो है किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, अथवा तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कर्म फल हम सबको भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से भीष्म पितामह जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन फिर भी 101 जन्म पहले गलती से अनजाने में उनसे एक सर्प के प्रति अपराध हो गया था। उसी पाप कर्म के फल स्वरूप जो है 101 जन्म के बाद जो है उनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा, और बाणों की सैया पर सो मानो प्रश्न हो कि 58 दिन तक बाणों की सैया पर सोए थे तो उनके प्राण क्यों नहीं निकल रहे थे। तब हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, और इच्छा मृत्यु का वरदान किसी अन्य ने नहीं दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान उनके स्वयं के पिताजी ने उनको दिया था। कब दिया था? जब भीष्म पितामह जी ने अपने ही पिताजी का विवाह किसी लड़की से करवाया था, सत्यवती से। ये इतिहास में पहली ऐसी घटना हुई, शायद आज तक हमने ऐसा कोई इतिहास नहीं पढ़ा, हमने तो आज तक यही पढ़ा सुना कि पिता जो है, माता पिता जो है बच्चे की शादी कराते हैं, परंतु भीष्म पितामह जी ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपने पिताजी का विवाह करवाया था, शांतनु जी का विवाह सत्यवती जी से करवाया था, और इस कार्य से उनके पिताजी इतने प्रसन्न हुए कि शांतनु जी ने भीष्म पितामह जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी ना, तब तक काल भी मृत्यु भी तुमको मार नहीं पाएगी, मारने की बात तो दूर रही, छू भी नहीं पाएगी, मेरा आशीर्वाद है। और उसी आशीर्वाद के फल स्वरूप जो है भीष्म पितामह जी 58 दिन तक बाण की सैया पर सोए थे, लेकिन मर नहीं रहे थे क्योंकि पिता इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। और भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर सोए सोए वे जो है किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे? वे जो है दो लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक तो ठाकुर जी की प्रतीक्षा कि ठाकुर जी जीवन के अंत समय में मेरे सामने आए और मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े हों और मैं अपने आंखों से देखते हुए अपने शरीर को छोड़ूं, ये इच्छा थी उनके मन में। और दूसरी इच्छा थी कि मैं जो है मकर संक्रांति के दिन अपना शरीर छोड़ूं।
जब ही 4 दिन के बाद मकर संक्रांति आएगा, तो यही इच्छा थी भीष्म जी के मन में कि मैं बहुत शुभ दिन अर्थात मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य जो है एक राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उस मकर संक्रांति के शुभ घड़ी में मैं अपना शरीर छोड़ूं। ये दो इच्छा थी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे जान गए कि मेरे भक्त भीष्म पितामह जी के जीवन का अंत समय चल रहा है और वे मेरा दर्शन करके शरीर छोड़ना चाहते हैं। अतः भगवान कृष्ण अपने 5 पांडवों को साथ में लेकर के, द्रौपदी को साथ में लेकर के, हस्तिनापुर की समस्त प्रजा को साथ में लेकर के, और भगवान कृष्ण उस महाभारत के युद्ध भूमि में पहुंचे। भगवान कृष्ण का दर्शन करते ही भीष्म पितामह जी ने मानसिक बंधन किया है, क्योंकि उठने की स्थिति में नहीं थे, मन से ही प्रणाम किया। 5 पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म जी को बहुत प्यास लगी थी, अर्जुन ने वहीं पर धरती में बाण मारा और वहीं से गंगा जी प्रकट हो गई और अर्जुन ने जल पिला करके उनके प्यास को शांत किया। और भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में कथा है कि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह जी से निवेदन किया कि पितामह जी, युधिष्ठिर महाराज जी आपसे ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, अतः आप अपने पूरे जीवन का अनुभव, अपने जीवन का पूरा अनुभव जो है युधिष्ठिर महाराज जी को बतलाइए, कुछ ज्ञान दीजिए। भीष्म पितामह जी ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए और ये धीरे धीरे ये बात जो है पूरे भूमंडल पर फैल गई और यहां तक कि स्वर्ग में भी ये बात फैल गई कि भीष्म पितामह जी प्रवचन करने वाले हैं, भगवान के विषय में ज्ञान देने वाले हैं। उस समय स्वर्ग से देवता लोग भी मनुष्य का वेश बना करके, ऋषि महर्षि का वेश बना करके, सब देवता लोग भी वहां पर उपस्थित हो गए। यहां तक कि नारद जी आए, वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए, वाल्मीकि जी आए, धौम्य ऋषि आए, साक्षात भगवान वेद व्यास जी आए। औरों की बात छोड़िए, वहां पर साक्षात परशुराम जी भी आए, परशुराम जी। और अकेले नहीं आए, परशुराम जी जो है अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर के गए। क्या करने के लिए गए? कथा सुनने के लिए गए। हमारे आचार्य लोग कहते हैं ना कि देखिए, एक बार जो है ना, एक बार भीष्म पितामह और परशुराम जी का, दोनों का आपस में बहुत घमासान युद्ध हुआ था। इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि उस युद्ध को रोकने के लिए साक्षात शिव जी को आना पड़ा था। इतना घमासान युद्ध हुआ था। क्यों घमासान युद्ध हुआ था? क्योंकि परशुराम जी भीष्म पितामह जी से कह रहे थे कि आप शादी कर लो, लेकिन भीष्म पितामह जी कहे कि हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। उस समय परशुराम जी ने कहा कि देखो, अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने कहा कि हम युद्ध कर ले, लेकिन शादी ना करें। हम युद्ध कर लेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे हम। क्योंकि ये दुनिया में ऐसा, ये एक ऐसा कार्य है कि इस कार्य को करके आज तक कोई खुश नहीं दिखा हमको, कोई खुश नहीं दिखा हमको।
जो खाया हो भी पछताया, जो नहीं खाया हो भी पछताया। कई लोग कहते ठीक है हम खा के पछताए, बिना खाइले पछताया सा जब खा के पछताए, जब खाइए के पछताही के बा खाइए लो ले खाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। ऐसे चखाइबे नहीं कर, लेकिन बुद्धिमान आदमी होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि स्वयं के जीवन में घटे तब सीखे। बुद्धिमान आदमी दूसरे के उदाहरण से सीख लेता है। तो भीष्म पितामह जी ने कहा हम युद्ध कर लेंगे लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। अब जो है दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध हुआ। फिर अंत में शिव जी ने आकर के रोका। तो कहने का भाव यह है कि यद्यपि भीष्म जी और परशुराम जी ये दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत घमासान युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी परशुराम जी ने देखा कि भीष्म पितामह जी भगवान की कथा कहने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, तो सारी दुश्मनी को भुला करके और परशुराम जी भीष्म पितामह जी के मुख से कथा सुनने के लिए गए। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि चाहे किसी व्यक्ति से हमारा व्यक्तिगत चाहे कैसा भी दुश्मनी क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति भगवान की कथा सुनाता है अथवा तो उस व्यक्ति के घर में भगवान की कथा होती है, तो हमें अपने सारे दुश्मनी को भुला करके कथा सुनने जाना चाहिए। कई बार हम लोगों को कथा सुनने के लिए बुलाते हैं तो लोग कहते हैं अरे उनका घरवा से हमार हैंग चले ला हैंग। ऐसे लोग कहते हैं, जब कथा की बात आए तो हमें सब कुछ भुलाकर कथा सुनने के लिए आना चाहिए, सारी दुश्मनी भुलाकर। परशुराम जी का भीष्म पितामह जी से युद्ध हुआ था लेकिन पर भीष्म पितामह कथा कहने जा रहे हैं तो सारी दुश्मनी भुलाकर अकेले नहीं गए, अपने शिष्यों को भी लेकर के गए थे परशुराम जी। और फिर भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को और उपस्थित जितने भी राजा महाराजा धरती के जितने भी महात्मा लोग थे, स्वर्ग से आए हुए जितने भी देवर्षि राजर्षि थे, सबको उन्होंने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। और सारा ज्ञान देने के बाद जो है भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि हे प्रभु अब जो है मैं इस भौतिक शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, पिया तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह मिलना चाहती है। बहुत सुंदर भजन है, पिया तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह मिलना चाहती है। अब जो है बहुत संसार में जी लिया, बहुत संसार देख लिया, अब आपके चरणों में आना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा कि ठीक है हम क्या करें, हमारे लिए क्या आदेश है बताइए। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे प्रभु सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम वा दीदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान स चतुर्भुज। भीष्म पितामह जी बोले कि हे प्रभु आप जो है जब तक मैं इस भौतिक शरीर का त्याग न कर दूं तब तक आप कृपा करके मेरे सामने खड़े हो जाइए। और ऐसे भी नहीं कि आप दुखी होकर खड़े मत होइए, आप जो है प्रसन्न चित्त होकर के मुस्कुराते हुए खड़े होइए। प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लसा,
आप जो है प्रसन्न चित्त होकर के मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े हो जाइए और मैं आपके सुंदर मुस्कुराते हुए मुख कमल का दर्शन करते हुए और मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। भगवान भक्तों के तो आज्ञाकारी होते हैं। भगवान ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। और भगवान श्री कृष्ण जो है भीष्म पितामह जी के चरणों के पास खड़े हो गए, क्योंकि जितना भक्त भगवान से प्रेम करते हैं भगवान भी भक्तों के चरणों से उतना ही प्रेम करते हैं। भगवान होकर के भी भीष्म पितामह जी के चरणों के पास खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे और भीष्म पितामह अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करने लगे और मुख से धीरे धीरे भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए भीष्म पितामह जी पूरा जीवन भर भगवान की भक्ति किए थे ना, तो अंत समय में ठाकुर जी उनके पास चले गए थे और उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़े थे। वैसे ही हम सब लोग भी जीवन भर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के चरणों से प्रेम करेंगे, तो हमारे भी जीवन के अंत समय में भगवान हमारे भी समक्ष मुस्कुराते हुए खड़े हो जाएंगे। हरे कृष्णा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। इसीलिए अगर हम सब लोग भी चाहते हैं कि जीवन के अंत में भगवान हमें भी दर्शन दें, तो हमें भीष्म पितामह जी की तरह हम सबको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और शरीर भी कैसे छोड़ना चाहिए ये भी भीष्म पितामह जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों के जब जीवन का अंत समय आता है ना, तो कई लोग की मनोदशा कैसी होती है, कितने लोगों की चेतना कैसे होती है कि अरे हमारे बेटी को बुला दीजिए, हमारे दामाद को बुला दीजिए, हमारे ससुर को बुला दीजिए, फलाना को बुला दीजिए, ठिकाना को बुला दीजिए। कई लोगों के जीवन के अंत समय में ऐसी चेतना होती है, अरे भाई जीवन भर तो फलाना ठिकाना चिलाना का दर्शन करते रहे, कम से कम जीवन के अंत समय में भी तो मैं ये इच्छा तो कीजिए कि मेरे सामने ठाकुर जी हो। हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए थे ना, तो वहां प्रचार के दौरान जो है प्रभुपाद जी को दिल का दौरा कई बार आ जाता था, चलते चलते उनको हार्ट अटैक आ जाता था। एक बार अमेरिका में प्रभुपाद जी का दोपहर को कार्यक्रम था और वो प्रवचन करने के लिए जा रहे थे और गाड़ी से जैसे ही उतर करके सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो उनको हल्का हल्का दिल का दौरा आने लगा। उसी समय उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि आप लोग मुझे कमरे में लेकर के चलिए और मेरे सामने जो है कृष्ण का छवि रख दीजिए, क्योंकि मैं जो है जीवन के अंत में कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं। हरे कृष्णा हरे हरे। कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, तो ऐसी चेतना होनी चाहिए जीवन के अंत में। कई बार तो कुछ लोग कहते हैं ना जीवन के अंत समय में हमके जिलेबी खाए के मन करता है। ऐसे लोग जो ना अगले जन्म में मक्खी बनेंगे मक्खी। जीवन के अंत समय में एक जीव की एक मनुष्य की ऐसी चेतना होनी चाहिए। भीष्म पितामह जी
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो जाइए। ऐसी चेतना होनी चाहिए। मुख से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि हम ध्यान करेंगे, लेकिन भागवत का प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय का 23वां नंबर आप श्लोक पढ़िए। भीष्म पितामह जी शरीर कैसे छोड़ रहे थे, आंखों से भगवान के मुख कमल का दर्शन और जिह्वा से यन्नाम कीर्तयन, जिह्वा से भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे थे और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। ऐसा हम सबको शरीर छोड़ना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से भीष्म पितामह जी भगवान के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु 58 दिन तक तो मैंने आपकी प्रतीक्षा किया, अब कुछ क्षण आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कब तक? जब तक मैं इस भौतिक शरीर का त्याग न कर दूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। आप अपने करुणा भरी नेत्रों से मुझ जीव की ओर देखिए, थोड़ी कृपा कीजिए। भगवान तुरंत राजी हो गए और उनके समक्ष खड़े होकर के मंद मंद मुस्कुराने लगे। और उस समय भीष्म पितामह जी भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर भीष्म पितामह जी ने 11 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना किया है। वास्तव में जो प्रार्थना अद्भुत प्रार्थना है, इस प्रार्थना को सबको पढ़ना चाहिए। भीष्म पितामह जी भगवान से कहते हैं, श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषियद् भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। बहुत सुंदर श्लोक है। इन श्लोकों के द्वारा भीष्म पितामह जी भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण मैंने पूरा जीवन पाप कर्मों में ही बिता दिया, कभी आपकी भक्ति नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी आपका नाम जप नहीं किया, कभी आपका कथा नहीं सुना, जीवन भर में संसारी कार्यों में व्यस्त रहा, बहुत पाप कृत्य किए, लेकिन अब तक जो हुआ सो हुआ, अब जो है मैं आपके मुख कमल का दर्शन करना चाहता हूं, आप जो है कृपा करके मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। हे प्रभु मेरा मन बहुत दुष्ट है, इस मन को आप कृपा करके अपने चरणों में लगा लीजिए। मेरा मन मेरे प्रयास से आपके चरणों में नहीं लग सकता, आपकी कृपा से ही लग सकता है। इस तरह से भीष्म पितामह जी बहुत दीनता पूर्वक बहुत सुंदर स्तुति किए हैं और इस तरह से स्तुति करने के बाद जो है भीष्म पितामह जी जब उन्होंने देखा कि अब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, अर्थात जब भीष्म पितामह जी ने देखा कि अब मकर संक्रांति का दिन आ गया,
तो उसी समय भीष्म पितामह जी जो है भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हुए और अपने वाणी से भगवान का गुणगान और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ करके और सबके देखते देखते जो है भीष्म पितामह जी भगवान के वैकुंठ में चले गए। बोलिए श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय। भीष्म पितामह जी का शरीर छूटा उस समय भागवत में वर्णन है कि जैसे सुबह के समय में बहुत सारी चिड़िया जो है पेड़ों पर चू चू करती हैं, लेकिन संध्या का समय होते ही रात्रि के समय में जैसे सारे पक्षी शांत हो जाते हैं, वैसे ही भीष्म पितामह जी के शरीर छोड़ने के बाद वहां पर जितने भी ऋषि महर्षि देवर्षि महात्मा पुण्यात्मा आए थे सब लोग शांत हो गए एक क्षण के लिए। ऐसा लगा कि हमारा सर्वस्व लूट गया, हमारा सब कुछ चला गया। वास्तव में एक भक्त जो होते हैं ना, एक भक्त के लिए एक भक्त ऐसे ही होते हैं। जो लोग भक्तों से प्रेम करते हैं ना, वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब कोई भक्त हमारे बीच से चला जाता है, उसका गोलोक धाम गमन हो जाता है, तो उस समय ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा लगता है कि अब दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब प्रभुपाद जी इस धरा धाम को छोड़ करके और जब भगवान के पास गए, उस समय प्रभुपाद जी के कितने शिष्य तो इस खबर को सुनकर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, कितने लोगों को दांत लग गया। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी एक आचार्य हुए, वे चैतन्य महाप्रभु के विरह में और जो हमारे षड़ गोस्वामी हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन षड़ गोस्वामियों के विरह में नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने भजन में लिखते हैं कि पासाड़े कुटीबो माथा, वे कहते हैं कि हे वैष्णव गोसाई आप लोग कहां चले गए, कहां चले गए मुझ जैसे पापी को छोड़ करके, अब जो है आप लोगों के विरह में मैं जीवित नहीं रह सकता, अब मैं आग में जल करके अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, मैं पत्थर से अपना सिर पटक कर फोड़ लूंगा, आपके वियोग में अब मैं जीवित नहीं रह सकता। नरोत्तम दास ठाकुर जी को षड गोस्वामियों के अंतर्धान होने के बाद उनको इतना अपार पीड़ा हुई। एक भक्त को एक भक्त के अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव होता है। अब जिनको भक्तों से प्रेम नहीं है तो उनको तो चलिए कोई भी आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भीष्म पितामह जी के जाते ही वहां पर सब कुछ सन्नाटा छा गया और सारे वेद व्यास जी नारद जी जितने भी वशिष्ठ जी विश्वामित्र जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए थे सब लोग क्रंदन करने लगे, रोने लगे। तो इस तरह से भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर को छोड़ करके भगवत धाम को प्राप्त किया। तो यह भीष्म पितामह जी के देह का त्याग जो है आज क्षमा कीजिए ये आने वाले मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था, इसीलिए मैंने आज जो है आप सबको भीष्म पितामह जी का चरित्र सुनाया। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी का अवतरण हुआ था, मकर संक्रांति के दिन ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया था। तो ये बहुत पवित्र दिन आ रहा है और उस दिन जो है सबको कुछ ना कुछ दान धर्म करना चाहिए। तो आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अभी जो है हमारे मंदिर में 15 बॉक्स जो है भगवत गीता पड़ा हुआ है,
तो आप सब लोग जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आप सब लोग भगवत गीता दान में दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कई तरह के दान होते हैं। अन्न दान होता है, कन्या दान होता है, भूमि दान होता है, गौ दान होता है, लेकिन सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। ज्ञान दान, और उसमें भी भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, भगवान के संदेश का ज्ञान हम किसी को दे देते हैं एज इट इज, तो इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। आपकी इच्छा है अन्य कुछ दान करने का तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप सबसे बड़ा दान गीता दान कीजिए, इसकी बड़ी अनंत गुना महिमा है। तो मकर संक्रांति के दिन आप सब लोग यही कार्य करें, और साथ ही साथ भगवान नाम का खूब जप करें और भगवान की कथा श्रवण करें, गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें और अपने जीवन को सफल करें।